नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूँ आपके साथ महेश जैन। देखा जा रहा है कि नीमच शहर में जहाँ सीएमओ की कुर्सी पर पदभार ग्रहण करने से पहले किस प्रकार से रियाजुद्दीन कुरैशी को लेकर भोपाल से लगाकर नीमच तक हलचल मची थी और कुर्सी के लिए जिस प्रकार के दावपेच खेले गए थे और आखिरकार रियाजुद्दीन कुरैशी ने सीएमओ की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाया, जिसके बाद से देखा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस सहित आमजन परेशान है किस प्रकार से भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के ही नेता सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और लगातार शहर में अवैध निर्माण से लगाकर अवैध अतिक्रमण और अवैध भूखंड आवंटन के मामले सुर्खियों में बने हुए हैं। हमारे साथ में अभी यहाँ पर मोनू जी लोक से कांग्रेस जो पूर्व पार्षद हैं वो हमारे साथ में, हम इनसे चर्चा करेंगे सीएमओ की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस पार्षद क्या कहते हैं और किस प्रकार के शहर में जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर क्या स्थिति है। मोनू भाई, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मुझे ये चीज बताइए, अभी जो वर्तमान में जो सीएमओ है रियाजुद्दीन कुरैशी, जिस प्रकार की कार्यप्रणाली देखी जा रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखो, नीमच नगर पालिका की स्थिति पिछले 5 वर्षों में थी वो की वो स्थिति अभी भी बनी हुई है। शहर नीमच नगर पालिका में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है पूरा नीमच नगर पालिका। इसकी हमने शिकायत कई बार की, पूर्व सीएमओ की शिकायत भी की और अभी के वर्तमान सीएमओ की भी शिकायत हमने कई बार की। इनको उल्टे सीधे काम करने के अलावा शहर की जनता की जो काम है, जनसेवा के काम है, उनसे कोई मतलब नहीं है। इनके पास कोई अवैध काम लेके जाता है तो उसको ऐन के ऐन तरीके से उस काम को अंजाम देने का काम ये कर रहे हैं। नीमच नगर पालिका में आप शहर में देखो तो कई अवैध निर्माण चल रहे हैं, कई 5-5 मंजिलों के परमिशनों के निर्माण चल रहे हैं जिनकी टीएस से कोई परमिशन नहीं है। उसके बावजूद भी नगर पालिका सीएमओ को हम शिकायत करते हैं, सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करते हैं तो हमारी बिना जानकारी के सीएम हेल्पलाइन पर बिना जानकारी के शिकायत को बंद कर दिया जाता है। मुझे एक चीज बताइए, लोक सभा का अभी एक देखा गया कि फव्वारा चौक जो है वहाँ पर दोषी ब्रदर्स का निर्माण कार्य चल रहा था, बिना टाउन एंड कंट्री की परमिशन के ही वहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, नगर पालिका ने आवासीय अनुमति जारी करी, ऐसे में सिर्फ जैक औपचारिक जानकारी के लिए दिखावा करने के लिए नोटिस जारी किया जाता है, नोटिस के बाद 2 दिन काम बंद रहता है, उसके बाद ऐसा क्या खेल चलता है? वापस धड़ल्ले से बेखौफ नगरपालिका की जिम्मेदारी की नाक के नीचे ही निर्माण कार्य चलता है, कोई भी अधिकारी उसको संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। फव्वारा चौक की तस्वीर, ये आप जो बात बता रहे हैं ये एक बार नहीं ऐसी कई बार हो चुका है कि नोटिस देने का काम इसलिए किया जाता है कि नोटिस देने के बाद आदमी इनके पास आता है, टेबल पर सेटिंग होती है, पैसों का लेन देन होता है और उसके बाद अवैध निर्माण का काम, एमओएस का उल्लंघन और बेसमेंट विदाउट परमिशन, ये कई प्रकार की 5-5 जो शहर में अवैध निर्माण हो रहे हैं सिर्फ पैसे के दम पे, भ्रष्टाचार के दम पे ये काम होता है और पैसा पूरा बटता है। ऐसे कई मामले हैं, ऐसा एक मामला आपको मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर सुजाता गुप्ता का था, उस पर भी 48 लाख की पेनल्टी लगी थी मगर जो वर्तमान सीएमओ तत्कालीन सीएमओ सविता प्रधान थी उन्होंने 7 लाख में समझौता कर लिया था, मैं उसकी शिकायत हमने ईओडब्ल्यू में की, वहाँ से जाँच बैठ गई, आज भी उसको नोटिस देने के बाद नोटिस देते हैं और नोटिस देने के बाद सामने वाला कोर्ट के शरण ले लेता है और पैसे की सेटिंग कर लेते हैं। तो ये खेल इस तरीके से नीमच नगर पालिका में चल रहा है और आम जनता को किस तरीके से परेशान किया जाता है, छोटे लोगों को परेशान किया जाता है, उनके यहाँ जेसीबी लेके पहुंच जाते हैं, उनके यहाँ बार बार चक्कर लगाते हैं मगर बड़े लोगों से केवल पैसे के दम पर अवैध निर्माण पूरे शहर में जारी है। अवैध भूखंड आवंटन को लेकर भी मामला लगातार सुर्खियों में बना था, किस प्रकार से सीएमओ जो रियाजुद्दीन कुरैशी हैं उन्होंने नियमों को ताक में रखकर, नगर पालिका की जो नियम है वो तो ऐसा लग रहा है सीएमओ के घर से बनते निकलते हैं और उन्होंने नियमों को ताक में रखकर ही भूखंड आवंटन करे थे, उसमें बाद भी जाँच के बाद शिकायत के बाद जाँच हुई पर लेकिन कोई नतीजे निकल के सामने। अभी आपको वर्तमान में एक मामला बताना चाहूँगा, राम भरोसो का जो 1056 अभी जो प्लाट है वो 65 लाख रुपए में 3.5 करोड़ का प्लाट नगरपालिका सीएमओ ने रजिस्ट्री करा दिया और नामांतरण कर दिया चुपचाप तरीके से, किस तरीके का खेल खेलते हैं। राजेश अजमेरा का मामले में वही प्लाट था, जब उसको कोर्ट की अपील करनी थी तो नगर पालिका ने 90 दिन का समय निकाल दिया इलेक्शन का बहाना लेके और अपील नहीं कर पाई और उस जब राजेश अजमेरा उसकी शिकायत की तो वन वे कार्रवाई हो गई। इसी तरीके से आप राम भरोसे की बात कर रहे हैं, ये बोलते कि शासन का लेटर आया मगर मेरे द्वारा जानकारी मांगी गई कि शासन से क्या लेटर आया, मनीष सिंह साहब का मुझे बताओ तो सही, तो बोले फाइल भोपाल गई है, फाइल कलेक्टर ऑफिस में पड़ी है, अभी तक देने को फाइल देने को तैयार नहीं है। ये पूरा खेल भोपाल से लेके यहाँ तक पूरा सेटिंग का खेल चल रहा है, करोड़ों रुपए की जमीन नीमच में सीएमओ आने के बाद बेच दी गई है और नीमच की नगर पालिका की करोड़ों रुपए की हानि है, जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है ये नीमच के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक 8A का मामला जो आया था, जिस प्रकार से बंगला बगीचा विस्थापन जो हुआ था 35,000 स्क्वायर फीट जो है उसके लिए बाउंड्री वाल की अनुमति तात्कालिक सीएमओ जो अभी वर्तमान में उन्होंने जारी करी, क्या कुछ कहेंगे, कैसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा हमने बोला था तो बोला कि हमारे ऊपर के वो बता रहे हैं ना कि ऊपर के मतलब अधिकारियों के आदेश बताते हैं, पर कौन है इनके ऊपर, ऐसा कौन आदेश वो जानते बताते
बताते नहीं ना, मौखिक बताते कि हम बोलते हैं के आदेश बताओ, तो बोले हमारे ऊपर से आदेश है, ऐसा है कलेक्टर साहब के आदेश हैं, मगर होता कुछ नहीं है, ये सब केवल और मौखिक बात करते हैं और धरातल पे सब कह रहा हूँ पैसे का खेल के पीछे सारा गेम ये अंजाम देने पे तुले हुए हैं। उनको पैसे का इतना मोह लग गया है कि कुछ भी काम करने को तैयार हैं। तो क्या भाजपा के साथ साथ अब कांग्रेस पार्षदों की भी नहीं सुनी जा रही है? कांग्रेस पार्षद भी जो आरोप लगाने, नहीं नहीं सुनी तो नहीं जा रही है। हम गलत काम के लिए पहले भी लड़ते थे और अभी भी लड़ेंगे। अगर शहर में कोई गलत काम होगा तो उसके लिए हमारे को जनता, पहले जनता ने चुना था, और नीमच शहर हमारा प्रिय शहर, हमारा हम नीमच शहर के रहवासी हैं। अगर गलत शहर होगा, एक बाहर के जो अधिकारी आते हैं, कल को कोई गलत काम होगा वो नहीं देंगे। भले भाजपा का शासन हो, कांग्रेस का शासन हो, कलेक्टर साहब क्या हमारे को देना पड़े, ऊपर शिकायत करनी पड़े, हमारे जयवर्धन सिंह मंत्री जी को भी शिकायत करनी पड़े तो वहाँ भी करेंगे, मगर जो शहर में गलत काम है उसको बिल्कुल हम रोकने के लिए लड़ाई पूरी हमेशा लड़ेंगे। तो क्या इन सीएमओ रियाजुद्दीन कुरैशी के जो जिस तरीके के मामले नीमच में निकल कर सामने आ रहे हैं, आए का नहीं, कई ऐसे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और अवैध निर्माण कार्य खुलेआम चल रहे हैं, क्या इनको लेकर भी आपकी कांग्रेस के ऊपर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई, नगरीय प्रशासन मंत्री से चर्चा हुई, या क्या हालात निकल कर सामने आएंगे नतीजे? इनकी कई बार दो चार बार शिकायत हो चुकी है, प्रभारी मंत्री जी से भी शिकायत हमने की है, जयवर्धन सिंह जी को अब मौका मिलेगा तो बिल्कुल जानकारी देंगे। अभी नए कलेक्टर साहब आए, उनसे मिलेंगे कि शहर में जो अवैध निर्माण आपने बताया फवारा चौक पे चल रहा है उसकी बिल्कुल जांच की जाए, और परमिशन नहीं है तो उसको ध्वस्त किया जाए, तोड़ा जाए। नहीं, लेकिन नोटिस के बाद तो दिन रात करके वो काम निर्माण कार्य चल रहा, रात को भी देखें चल रहा है, मतलब नोटिस के चक्कर में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा ऐसा मानना है? नहीं, सही है आपका कहना कि ऐसे कई बार नोटिस देते हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं, उसको एक नोटिस देते हैं, दो नोटिस देते हैं, तीन नोटिस देते हैं, बस नोटिस को खेल चलता है, अंतिम नोटिस करके बार बार देते हैं, हमारी शिकायत के बाद भी नोटिस का खेल चलता है, उसके बीच में लेन देन का इनका काम चलता है। मगर ये बात सत्यता है कि नीमच नगर पालिका में भी कभी भी हमने भी कई शिकायत करी पाँच साल में भाजपा के टाइम भी और अभी भी, मगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से नगर पालिका के सीएमओ रियाजुद्दीन कुरैशी की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस पार्षद मोनू लोक्स, जो एक पूर्व पार्षद भी हैं, तत्कालिक अभी पार्षद थे, उन्होंने किस प्रकार से आरोप लगाए हैं और किस प्रकार से लगातार सीएमओ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आरोप लगा रही है, साथ ही साथ खुली तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से नोटिस के बाद भी दिन रात कर अवैध तरीके से निर्माण कार्य चल रहे हैं, अवैध भूखंड आवंटन के मामले, लेकिन नतीजे कुछ भी निकल कर नहीं आ रहे। जांच में देखा जाए तो पूरी तरीके से सीएमओ को न जाने किसका संरक्षण है, जिसके चलते इन अवैध निर्माण कार्यों पर लगाम नहीं लग पा रही है। देखना यह होगा कि नवागत कलेक्टर ने पदभार जरूर संभाला है, लेकिन क्या नवागत कलेक्टर प्रशासक भी हैं? तो क्या इस मामले में ऐसे लापरवाह सीएमओ जो नियमों के विरुद्ध जाकर काम कर रहे हैं उस पर लगाम लगाएंगे, या फिर यह सब ऐसे ही चलता रहेगा? प्रदेश हलचल के लिए मेरे सहयोगी एसएस कछावा के साथ में महेश।